आज ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली होने वाली है जो लोग यहाँ पे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं, जो लोग ये चाहते हैं कि भाई मुझको यहाँ पे पेटीएम में पेमेंट मिले, ठीक है, जो लोग पेटीएम कैश की अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उन्ही लोगों के लिए आज होने वाली है। तो बस यार वीडियो को लास्ट तक देखो यार, ओके, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार है। लाइव या पेटीएम में रुपये लेकर दिखाऊंगा, बैंक में नहीं, यूपीआई में नहीं, पेटीएम में रुपया लेकर दिखाऊंगा। वीडियो बस लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिस किसी ने अभी तक यार टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी जाओ यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि कहीं जहाँ पे आपको एक से बढ़ के एक लूट ट्रिक्स मिलती है, एक से बढ़ के एक स्क्रिप्ट मिलती रहती है, ओके, तो जाओ यार जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो यार हम लोग बिना टाइम गए आज की रेफर बाईपास ट्रिक को यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस दोबारा मैं आप लोगों को जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, वो एप्लीकेशन बिल्कुल इंस्टेंट पेमेंट देती है, आप लोगों को लाइव पेमेंट लेकर भी दिखाऊंगा, ठीक। तो देखो गाइस आज मैं आप को जिस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ना, उस एप्लीकेशन का जो नाम है वो यहाँ पे कैश बैस, ओके, कैश बैस एप्लीकेशन का नाम है, ठीक। फिर से देख लो एप्लीकेशन का जो नाम है वो यहाँ पे कैश बैस है। कैश बैस एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। पूरी वीडियो देख कर जाना, मैं आप लोगों को आज इसका रेफर बाईपास ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे इसके पैड पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके पैड पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मेरा यहाँ पे 135 कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइव विड्रॉल करके दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। देखो अगर आप लोग यहाँ पे सेल्फ अर्निंग करना चाहते हो, ठीक, तो यहाँ पे सेल्फ अर्निंग भी कर सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो रेफर बाईपास ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, और उसके बाद मैं आप लोगों को रेफर बाईपास करने के बाद मैं आपको पेमेंट लेकर दिखाऊंगा, ठीक है, लाइव पेमेंट लेकर दिखाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग केवल सेल्फ अर्निंग करने के मकसद से आए तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सेल्फ अर्निंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे डेली चेक इन का ऑप्शन मिल जाता है। डेली चेक इन पर अगर आप लोग टैप करोगे तो आप लोग यहाँ पे चेक इन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक इन आज कल रखी है, ओके, आप लोगों को यहाँ पे चेक इन के 25 से 35 कॉइन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे चेक इन कर लोगे उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे एक ऐड आ जाएगा, इस ऐड को आपको कट कर देना होगा। जैसे आप लोग उसको कट कर दोगे उसके बाद वॉच वीडियो दिख जाता है। वॉच वीडियो पर अगर टैप करते हो तो आप लोगों को 5 कॉइन दिया जाता है एक वीडियो वॉच करने का। तो हम लोग ओके पर टैप करेंगे, जैसे ओके पर टैप करेंगे हम लोगों के सामने एक वीडियो ऐड जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वीडियो ऐड आएगी उसको हम लोग यहाँ पे कट करेंगे, कट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे 5 कॉइन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी बात ये मैं सिर्फ सेल्फ अर्निंग करने वालों के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं रेफर बाईपास आपको बताऊंगा जो लोग सिर्फ रेफर से अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो सेल्फ के बजाय रेफर से ज्यादा इनकम होती है, चाहे जिस टाइप की ऐप हो, ठीक है। आप लोगों को रेफर की अर्निंग ज्यादा होती है सेल्फ से, ओके, क्योंकि सेल्फ में आप लोग जितना अर्निंग करोगे 2-3 बार में उतना आपको रेफर में एक ही बार में हो जाती है, ठीक। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रेफर बाईपास, तो वीडियो पर लास्ट तक देखते रहना, वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा आएगा, ऐसा नहीं बट आपको यहाँ पे ऐड जो कि यहाँ पे खत्म हो जाएगी उसको यहाँ पे कट कर देना। जैसे कट कर दोगे आप लोगों को 5 कॉइन सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा और आप लोगों का यहाँ पे 140 देखो मेरा 135 है, फिर से एक ऐड आएगी यहाँ पे। जब दोबारा ऐड आएगी तो बहुत छोटी सी ऐड होगी, मुश्किल से 1-2 सेकंड की होगी, बस इसको यहाँ पे कट कर देना होगा। जैसे कट करोगे देखो मेरे यहाँ पे 135 कॉइन है, ठीक है। अभी आपको कुछ देर यहाँ पे वेट करना होगा, इधर उधर रिफ्रेश करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे जो 140 कॉइन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक बार ऐप बंद करके यहाँ पे ऑन कर लेना, मैं आपको चलो करके दिखाई देता हूँ, ओके, नहीं तो आप लोग कहोगे फिर, ओके। तो चलो मैं फटाफट से एप्लीकेशन बंद किया, उसके बाद मैं फिर से एप्लीकेशन को खोला, ठीक है। मैं यहाँ स्किप ऐड पर क्लिक करूंगा, ओके, स्किप ऐड पर क्लिक करूंगा, देखो मैं यहाँ पे 140 कॉइन हो चुका है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे सेल्फ अर्निंग की, सेल्फ अर्निंग करने का यहाँ पे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। देखो इस एप्लीकेशन का कभी कभार सर्वर भी चला जाता है, तो आप लोग यहाँ पे मेरी वीडियो बनाने के बाद अगर सर्वर चला जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रात तक वापस ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को सेल्फ अर्निंग करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती है जिनको आप लोग इंस्टॉल करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को वही एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी जो कि आप लोगों ने कभी अपने मोबाइल में इससे पहले इंस्टॉल ना की हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भरपूर एप्लीकेशन तो आप लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं यहाँ पे रेफर बाईपास, जो कि सिर्फ यहाँ पे रेफर बाईपास करके अर्निंग करना चाहते हैं। रेफर बाईपास करने के लिए आप देखो रेफर फ्रेंड दिख रहा है, इस पर सिंपल से टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद देखो आपको यहाँ पर रेफर कोड दिख जाएगा, इसको टैप टू कॉपी कर लेना, बैक पर टैप करना, ठीक है। बैक पर टैप करने के बाद एक ऐड आएगी, ठीक है। ये ऐड देख लेना, ऐड यहाँ पे 2-3 सेकंड की होगी, बस आपको यहाँ पे देख लेनी होगी और इसको यहाँ पे कट कर देना होगा। जैसे आप लोग इस ऐड को कट कर देते हो, ऐड कट करने के बाद देखो मेरा 140 कॉइन है, ठीक है, पर रेफर आपको यहाँ पे 100 कॉइन देता है। अब हम लोग क्या करने वाले, इसको यहाँ पे एग्जिट करने वाले, ठीक है। एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ पे दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली, ठीक। पहली एप्लीकेशन का जो नाम है वो यहाँ पे पैरेलल स्पेस है, ठीक है, और जो दूसरी एप्लीकेशन का नाम है वो यहाँ पे पैरेलल स्पेस 64 बिट है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल स्पेस को खोलेंगे। ये दोनों एप्लीकेशन की लिंक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको सारा अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद एक बार सुनो, रेफर बाईपास करते टाइम आप लोगों का वाईफाई कनेक्शन ऑन नहीं होना चाहिए, आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे मोबाइल डाटा ऑन कर रखा है, वाईफाई बंद कर रखा है, और यहाँ पे देखो जो लोकेशन दिख रहा है ना, इस लोकेशन को भी ऑन मत रखना और ना ब्लूटूथ को। लोकेशन, वाईफाई, ये दोनों बंद रहने चाहिए, ये मस्ट बाई मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इतना काम हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक पैरेलल स्पेस में छोटी सी सेटिंग करनी होगी, अब मैं छोटी सेटिंग बताऊँ, पहले आप पूरा ये लोड हो जाने देता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे फाइनली गाइस देखो मैंने यहाँ पे लोड हो चुका, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैश बेस एप्लीकेशन जो उसके यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे जैसे मैंने ऐड कर लिया, उसका हम लोगों को इस वाली सेट परमिशन को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने के बाद आपको देखो यहाँ पे एक सेटिंग करनी होगी, वो यहाँ पे देखो 3 लाइन्स दिखेगी, इस पर टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो दिख जाएगा स्पीड मोड, 3rd नंबर पर स्पीड मोड, ये आप लोगों का ऑन रहेगा, उसको यहाँ पे ऑफ कर देना है, ठीक है। ये ऑफ करना जरूरी होगा, नहीं तो आप लोगों का यहाँ लिमिटेड ट्रिक काम नहीं करने वाला, ठीक है। इतना काम करने के बाद क्या करना होगा, आपका एरोप्लेन मोड जो है उसको आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग एरोप्लेन मोड यहाँ पे ऑन कर लेना कुछ देर के लिए, 1
से 2 मिनट के लिए ऑन कर लेना है, ठीक है। 1 से 2 मिनट के लिए आप लोग ऑन करोगे, इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो आई पी एड्रेस होगा यहाँ पे ट्रैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ आपका आई पी एड्रेस ही ट्रैक करती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो मैंने एरोप्लेन ऑन ऑफ कर लिया, ठीक है। ऑन ऑफ करने के बाद देखो यहाँ पे हम लोगों का इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कैशबस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे अलाउ करेंगे। जब भी आपको ये एक्सेस मांगे लोकेशन का तो आपको यहाँ पे इसको डिनाई कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है। फिर से अगर मांगे तो आपको यहाँ पे कर देना है अलाउ ऑल दिस टाइम नहीं, आपको अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप, ओके। इस पर टैप करना है सेकंड नंबर पे, ठीक है। पहले बार में कैंसिल करना है, सेकंड टाइम में इसको ऑन करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग कैशबैक हो रहा है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, ये एप्लीकेशन को सबसे पहले यहाँ पे ओपन होने देना है, ठीक है। जब ये एप्लीकेशन ओपन हो जाए, सुन लो आप पूरी अनलिमिटेड ट्रिक सुनो, यहाँ पे हम लोग क्लोज पर टैप करेंगे, ठीक है। क्लोज पर टैप करने के बाद हम लोगों का एक्सेप्ट करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे गूगल दिख जाएगा, फेसबुक दिख जाएगा, ठीक है। आप लोग इसमें किसी से भी साइन अप कर सकते हो अनलिमिटेड ट्रिक अप्लाई करने के लिए। मेन अकाउंट मगर गूगल से ही बनाना, ठीक है, लेकिन फेक अकाउंट आप लोग किसी से भी बना सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, अकाउंट बनाने से पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो है एक बार एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ कर लेना होगा, और जिससे कि आप लोगों का यहाँ पे डबल सिक्योर हो जाओ कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट से यहाँ पे एक बार और एरोप्लेन मोड यहाँ पे ऑन ऑफ करने वाला हूँ, ठीक है। चल लाइव करके दिखा रहा हूँ वीडियो को, बस लास्ट तक देखो यार, ओके। तो देखो मेरा एरोप्लेन मोड यहाँ पे ऑन हो चुका है, ठीक है। ऑन होने के बाद हम लोग उसका ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के बाद फिर से इंटरनेट कनेक्शन आने का वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरा इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लॉग इन करेंगे गूगल से। मेरे पास यहाँ पे एक जीमेल आईडी एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे जीमेल से करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यार सबसे पहले, वरना तो बहुत ज़्यादा यार लेट हो जाएगी, ओके। तो फाइनली गाइस देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ईमेल से यहाँ पे साइन अप कर लिया, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाली और मैंने यहाँ पे साइन अप कर दिया, ठीक है। अब देखो साइन अप करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मानिए आप लोगों का यहाँ पे पैरेलल स्पेस में नहीं होता है कभी कभार, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पैरेलल स्पेस में दिक्कत आने लगती है कि आप लोग यहाँ पे जब गूगल से साइन इन करने जाते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसकी जगह आप लोग यहाँ पे डू मल्टीपल स्पेस का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो डू मल्टीपल स्पेस और पैरेलल स्पेस, इन सबकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने दे दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पे क्या करना है। देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा रेफर एंड फ्रेंड, ओके। रेफर फ्रेंड पर टैप करना, उसके बाद देखो देखिएगा इंटर रेफर कोड पर टैप करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे जब मेन आईडी बनाना तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफर कोड मिल जाएगा, उसको डाल देना। और जब यहाँ पे फेक आईडी बनाना तो आप लोग अपने मेन अकाउंट का रेफर कोड डाल देना। एक बार मैं बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे मेन आईडी में रेफर कोड नहीं डालते हो, ठीक है, तो आप लोगों को पेमेंट मिलने की चांस बहुत कम हो जाएगी। तो रेफर कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप लोग जरूर से डाल देना। तो गाइस देखो मेरा रेफर कोड यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है। सक्सेसफुली अप्लाइड होने पर आपको तुरंत वापस नहीं जाना होगा, आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये ऐड देख लेनी होगी, उसको यहाँ पे कट कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैक चलना होगा, बैक चलने के बाद आपको यहाँ पे इस अकाउंट में थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों का जो रेफर होगा वो यहाँ पे सक्सेस होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि अगर पैरेलल स्पेस में काम ना करे तो आप लोग इसको डू मल्टीपल स्पेस में कर सकते हो, और अपना आईपी चेंज करने के लिए एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करना ये मस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट से उसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक। कट करने के बाद देखो यहाँ पे ये इसको भी मैं कट कर दिया, ठीक। कट करने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेली चेक इन दिख रहा है ना, इस पर मैं टैप करूँगा। डेली चेक इन पर टैप करने के बाद आपका डेली चेक इन जरूर कर लेना होगा। बताएगा 15 कॉइन देगा, लेकिन 15 से ज्यादा ही कॉइन देता है, ठीक है। कहता है 15 कॉइन दूंगा मगर 15 से ज्यादा ही कॉइन देता है। तो देखो मेरे सामने ऐड आ चुके, तो मैं इस ऐड को फटाफट से स्किप कर देता हूँ, ठीक है। देखो ऐड स्किप किया, देखो मेरे को 35 कॉइन मिल गए, कहा 15 दिया मगर 35, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यहाँ से बैकग्राउंड से हटा देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसको डू मल्टीपल स्पेस में भी कर सकते हो, तो जैसा कि मैंने इसको डू मल्टीपल स्पेस में किया, ठीक है, पैरेलल स्पेस में नहीं हो रहा था तो मैंने डू मल्टीपल स्पेस में किया, क्योंकि कभी कभी पैरेलल स्पेस में गूगल से साइन इन नहीं ले पाता या फिर मतलब इसमें सर्वर स्लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो हम लोग चलते अपने मेन अकाउंट में, देखते हैं हम लोगों को यहाँ पे रेफर बाईपास हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे देखो बूम गाइस, देखो मेरे यहाँ पे 240 हो चुका है, ठीक है। 140 था, 240 मेरा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो आपको फिर से बता दूं कि आपको मेन आईडी में रेफर कोड डालना जरूरी होगा, तभी पेमेंट मिलेगी। अब चलिए आप विड्रॉ लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। विड्रॉ लगाने से पहले आपको मैं चलो फटाफट से अपना पेटीएम जहाँ पे मैं चेक करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे विड्रॉ लगा कर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेटीएम ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे बैंक बैलेंस एंड हिस्ट्री पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन शो नहीं होती, ठीक है। तो आप देखो लास्ट मेरा पेमेंट जहाँ पे 2 रुपीज का है, ठीक है। तो मैं चलो विड्रॉ लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। विड्रॉ लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ रिवॉर्ड दिख रहा है, इस पर टैप करना होगा, ठीक है। रिवॉर्ड पर आप लोग जैसे टैप करोगे, देखो मिनिमम विड्रॉ यहाँ पे 1 रुपीज का है, ये सिर्फ आप लोगों का 1 रुपीज एक या 2 बार ही लगेगा, इसके बाद ये 1 रुपीज का ऑप्शन हट जाएगा। आपको यहाँ पे मिनिमम विड्रॉ 10 रुपये मान के चल सकते हो, लेकिन जब फर्स्ट टाइम निकालोगे तो मिनिमम विड्रॉ 1 रुपीज है, ठीक है। 900 कॉइन होने चाहिए 10 रुपीज के लिए। आप लोगों को सिर्फ 9 रेफर करने पड़ेंगे, आप लोग आराम से 900 कॉइन कर लोगे, ठीक है। 9 रेफर करने पड़ेंगे, यानी 9 ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, 10 रुपीज करके लूट ले जाना, ठीक है। अगर आप लोग पास और भी रेफर कर सकते हो तो यहाँ पे 25 रुपीज भी लूट सकते हो और 50 रुपीज भी लूट सकते हो। और भी अगर ज्यादा आप लोग यहाँ पे अगर कर सकते हो रेफर बाईपास, तो आप लोग यहाँ पे फ्री फायर का है, ये लॉर्ड मोबाइल है, ये सब आप लोग यहाँ पे ले सकते हो कार्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो 1 रुपीज का आपको विड्रॉ लगा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं 1 रुपीज पर टैप करूंगा, ठीक है। 1 रुपीज पर टैप करने के बाद देखो यहाँ पे बता रहा है कि आप अपना पेटीएम नंबर डालो, ठीक है। आप लोगों को जो पेमेंट हो यहाँ पे 48 घंटे के अंदर ऐसा बताएगा, ठीक है, कि रिसीव होगी, ओके। और आपका बता रहा है 2% यहाँ पे चार्ज भी लगेगी, ठीक है, जीएसटी की, लेकिन ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। मैं आपका चलो विड्रॉ लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ, सबसे पहले पेटीएम नंबर यहाँ डाल देता हूँ। फाइनली मैंने अपना पेटीएम नंबर डाल दिया, पेटीएम नंबर डाल देने के बाद हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट पर टैप करेंगे। रिक्वेस्ट पर टैप करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, कंफर्म करने के बाद देखो हम लोगों को यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, ठीक है। हम लोग ओके पर टैप करेंगे, ठीक है। ओके पर टैप करने के बाद हम लोगों को थोड़ी देर वेट करना, अब हम लोग यहाँ पे कट कर देते हैं। ऊपर से देखो मैसेज आ चुका है कि हम लोगों को उसमें 1 रुपया एड कर दिया गया है, ठीक है। देखो बिल्कुल इंस्टेंट
इंस्टेंट पेमेंट मिलती है, मगर एक इसमें और प्रॉब्लम है कि आप लोग एक दिन में सिर्फ एक अकाउंट से एक ही विड्रॉ लगा सकते हो, ठीक है। तो इस बात का आप लोग मस्ट बाई मस्ट याद रखना कि अगर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेफर कर सकते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करने के बाद ही विड्रॉ लगाना। मैंने तो आपको यहाँ पे 1 रुपये मिनिमम विड्रॉ यहाँ पे इसलिए लगाकर दिखा दिया क्योंकि भाई यहाँ पे 1 रुपये मिनिमम विड्रॉ मुझको आपको पेमेंट प्रूफ भी यार देना था, ओके। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लगाकर दिखा दिया। चलो मैं फटाफट से अपने पेटीएम में चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि मुझको पेमेंट यहाँ पे रिसीव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग को क्या क्योंकि सामने पर देख सकते हो 1 रुपये इसकी पेमेंट यहाँ पे मुझको रिसीव हो चुकी है कैश बस की तरफ से, ठीक है। तो यार आप लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हो यार, ओके। आप लोग आराम से यहाँ पे 10 रुपये से तो कम यहाँ पे विड्रॉ लगाना ही मत, मैं तो आपको सिर्फ मिनिमम विड्रॉ कितना वो दिखाने के लिए सिर्फ लगाया हूँ पेमेंट प्रूफ के लिए, लेकिन आप लोग 10 रुपये से कम विड्रॉ लगाना ही मत, ठीक है। तो आपका वीडियो कैसी लगेगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर से बता रहा हूँ रेफर कोड मस्ट बाई मस्ट डालना जरूरी होगा। रेफर कोड नहीं डालोगे तो आपको जो पेमेंट है वो नहीं मिलेगी, ओके। और कई बार यहाँ पर 48 घंटे तक भी लटका देता है, तो रेफर कोड मस्ट बाई मस्ट यार डाल देना, रेफर कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू ट्रिक एक न्यू एप्लीकेशन के साथ, तब तक क्लियर, गुड बाय।